मास 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 मोलर मोलर ऑफ 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 मोल 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 6.022 अ सब्सटेंस तो तो पर हम तो हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स दिए हुए हैं को से मल्टीप्लाई कर देंगे नाइट्रोजन एटम्स का मोलर मास हमें मालूम है ये होता है 14 एक मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज ऑफकोर्स इक्वल टू फोर्टीन ग्राम्स बी पार्ट पे मूव करते हैं जहां पर फोर मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स हमें दिए हुए हैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है ट्वेंटी सेवन मोल तो फोर मोल एल्यूमिनियम एटम्स का मास हो जाएगा फोर इंटू मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स तो एक मोल का जितना भी मास है उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर मोल्स का मास हमें मिल जाएगा

अब यहां पर एक कंपाउंड दिया हुआ है और कंपाउंड का मोलर मास हम कैसे निकालते हैं बाय एडिंग अप दी दी ऑफ एटम्स विच फॉर्म दैट गिवन कंपाउंड तो अगर हम Na2SO3 का एक मोल डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर दो मोल सोडियम एटम्स होंगे एक मोल सल्फर एटम होगा एंड देर विल बी थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो Na2SO3 के मोलर मास में टू इंटू मोलर मास ऑफ सोडियम प्लस वन इंटू मोलर मास ऑफ सल्फर प्लस थ्री इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हम डिस्कस करेंगे सोडियम एटम्स का मोलर मास 23 होता है सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास 16 ग्राम्स पर मोल होता है तो ये वैल्यूज हम यहाँ प्लग इन कर देते हैं 2 इंटू सोडियम का मास प्लस वन इंटू सल्फर का मास प्लस थ्री इंटू ऑक्सीजन एटम्स का मास विच इज इक्वल टू 126 ग्राम्स पर मोल यानी कि एक मोल Na2SO3 विल वे हंड्रेड ग्राम्स तो 10 मोल्स का वेट हो जाएगा 10 इन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स विच इज इक्वल टू वन टू सिक्स जीरो ग्राम्स तो हमने तीनों पार्ट यहां पे सॉल्व कर लिए दीज आर द रिस्पेक्टिव आंसर थ्री पार्ट इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आप अपनी फेसबुक uh, वॉल्स पे अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग